हेलो गाइज, मेरा नाम है केवल लहरिया। आज का हमारा स्टेट लेने वाले हम आज जो स्टेट डिस्कस करने वाले हैं वो है आंध्र प्रदेश। रोज़ की तरह आज भी हम पहले 7 मिनट का जो वीडियो है उसमें स्टेट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेंगे। लास्ट के 3 वाले मिनट हम पूरी टॉपिक्स रिवाइज करेंगे क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है भैया। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो देखने के बाद जस्ट 7 मिनट के बाद आप आंध्र प्रदेश का पूरा कच्चा चिट्टा जान जाएंगे, मतलब कि आंध्र प्रदेश में क्या कहाँ कैसे क्यों है सभी सारी बातें आपको पता चल जाएंगी। अगर आप आंध्र प्रदेश के हो तो बहुत ही अच्छा, नहीं भी हो तो सीख लो, कभी जाने का मौका मिल सकता है आंध्र प्रदेश। चलो, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी गवर्नमेंट के एग्जाम्स के लिए, मतलब जिस भी एग्जाम में स्टैटिक जी के नाम का टॉपिक है उन सारे एग्जाम्स के लिए। तो टाइम वेस्ट ना करते हैं, वीडियो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम आंध्र प्रदेश के बारे में देखेंगे। आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो हैदराबाद, आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद। मतलब पहले यहाँ पे दो इशू थे, एक आंध्र प्रदेश स्टेट था और अभी उससे अलग होके एक तेलंगाना स्टेट बन चुका है, आंध्र प्रदेश से अलग होके बन चुका है तेलंगाना। तो पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी थी हैदराबाद, अभी राजधानी तेलंगाना की हो गई हैदराबाद और आंध्र प्रदेश की 2021 से हो जाएगी अमरावती। आंध्र प्रदेश की राजधानी हो जाएगी 2021 से अमरावती, लेकिन जब तक नहीं होती 2021 तक, तब तक तो आंध्र प्रदेश की राजधानी हमें देखना होगा हैदराबाद के नाम से। क्षेत्रफल का यहाँ पे अगर बात करते हैं तो 2,75,068 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है, 2,75,068। जनसंख्या की बात करते हैं तो 8.5 करोड़ यहाँ पे जनसंख्या, 8% 45 करोड़, उसमें पुरुष है 4.24 करोड़ और महिला है 4.21 करोड़। जनसंख्या का घनत्व है प्रति वर्ग किलोमीटर का, मतलब होता है एक 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 किलोमीटर का अगर दायरा बना दे तो इस इतने किलोमीटर में 308 प्रति व्यक्ति रहते हैं। लिंगानुपात है 993 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, मतलब लिंगानुपात यहाँ का काफ़ी अच्छा है, बस 7 ही लोग कुंवारे बचने वाले, इतने तो बचते नहीं दोस्तों, ये तो वैसे ही मर जाएंगे। साक्षरता मतलब सोच के कि वह अपन 7 में से वो लोग हैं, ये तो वैसे ही मर जाने, तो सबकी शादी होनी है यहाँ पे। साक्षरता का प्रमाण है 67.0%, इसमें 74% मेल मतलब पुरुष है और 59% महिला है। प्रमुख भाषा यहाँ पे दो है, तेलुगु तथा उर्दू, क्योंकि मुसलमान लोग भी काफ़ी ज़्यादा रहते हैं वहाँ पे तो निज़ाम की वजह से, तो तेलुगु तथा उर्दू यहाँ की प्रमुख भाषा है। उच्च न्यायालय इसका हैदराबाद में, उच्च न्यायालय कहाँ पे, हैदराबाद। अभी जब राजधानी चेंज होंगी तो इसका उच्च न्यायालय भी बदल जाएगा, अमरावती में आ जाएगा, तो तब तक के लिए तो आप हैदराबाद ध्यान में रखिए। राज्य दिवस है यहाँ का 1 नवंबर, राज्य दिवस है यहाँ का 1 नवंबर। राज्य का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को, राज्य का गठन कब हुआ था 1 नवंबर 1956 को। जिले यहाँ पे 13, टोटल यहाँ पे जिले कितने 13। सीमा की बात करते तो सीमा लिखना मतलब एक पैटर्न होता है सीमा लिखने का, सबसे पहले ऊपर वाली नॉर्थ, नीचे वाली साउथ, ईस्ट वेस्ट, इस तरह से हम देखेंगे। अगर मान लो यहाँ पे आपका आंध्र प्रदेश है तो उत्तर में, उत्तर मतलब ऊपर साइड यहाँ पे मध्य प्रदेश, ऊपर में एमपी, उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम की बात करते तो उत्तर पश्चिम ये डायरेक्शन होती है, यहाँ पे मद्रास है, उत्तर पश्चिम के बाद यहाँ पे मद्रास। दक्षिण में तमिलनाडु, दक्षिण में यहाँ पे तमिलनाडु है। पश्चिम में कर्नाटक, पश्चिम में कर्नाटक और पूर्व में बंगाल, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी पश्चिम में और यहाँ पे कर्नाटक। मुख्य फसल है यहाँ की चावल, मुख्य फसल है यहाँ की चावल। प्रमुख नृत्य है कुचिपुड़ी, मुख्य फसल है यहाँ की चावल, प्रमुख नृत्य है यहाँ पे कुचिपुड़ी। साथ में ही एक कोल्लतम भी नाम का डांस यहाँ का फेमस है, कोल्लतम, कुचिपुड़ी और कोल्लतम। पर्यटन केंद्र की बात करते हैं तो सबसे अच्छा यहाँ पे तिरुपति मंदिर जो चित्तूर जिले में, वेंकटेश्वर मंदिर, गोलकोंडा किला हैदराबाद में, चार मीनार, सालारजंग म्यूजियम हैदराबाद में, कावला अभयारण्य है आदिलाबाद, नेशनल पुलिस एकेडमी है यहाँ पे हैदराबाद में, हिंदुस्तान शिपयार्ड है विशाखापट्टनम में। पर्यटन केंद्र काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। सबसे पहले तिरुपति मंदिर तिरु जिला में, वेंकटेश्वर मंदिर है, गोलकोंडा किला हैदराबाद में, चार मीनार, सालारजंग म्यूजियम हैदराबाद में, कावला अभयारण्य आदिलाबाद में, नेशनल पुलिस अकेडमी हैदराबाद, हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम में। विधानमंडल है यहाँ का द्विसदनात्मक, द्विसदनात्मक का मतलब होता है विधानसभा के साथ ही साथ द्वि विधान परिषद भी होना, तो यहाँ पे विधानसभा के साथ विधान परिषद भी, इसलिए द्विसदनात्मक है। विधानसभा के सदस्यों की संख्या 295, विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 90, लोकसभा सदस्यों की संख्या 42, लोकसभा सदस्यों की संख्या 42, साथ ही राज्यसभा सदस्यों की संख्या 18, राज्यसभा सदस्यों की संख्या है 18। राजकीय पशु है चौसिंगा, राजकीय पशु है इसका चौसिंगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, विधानमंडल द्विसदनात्मक, विधानसभा 295, विधान परिषद 90, लोकसभा सदस्यों की संख्या 42, राज्यसभा सदस्यों की संख्या 18, राजकीय पक्ष है चौसिंगा मतलब चार सिंग वाला, और राजकीय पक्ष है घसूर हवासिल, घसूर हवासिल। प्रथम राज्यपाल जो थे यहाँ के वो थे सीएम त्रिवेदी, त्रिवेदी सीएम त्रिवेदी।
आधुनिक शहर हैदराबाद की न्यू गोलकोंडा के कुतुब शाह ने रखी थी, मतलब जो आधुनिक शहर बनने वाला था हैदराबाद, ये बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, इसकी नींव रखी थी कुतुब शाह ने। हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा नगर कहा जाता है। हैदराबाद सिकंदराबाद एक दूसरे के जुड़वा नगर है, जैसे पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र है उसी तरह हैदराबाद और सिकंदराबाद जुड़वा है। आचार्य विनोबा भावे ने आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र से भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। आचार्य विनोबा भावे जी थे, इन्होंने आंध्र प्रदेश के ही तेलंगाना क्षेत्र से, जो अभी अलग से एक स्टेट बन गया है, यहाँ से भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। भाषाई आधार पर गठित होने वाला यह देश का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश, मतलब भाषाई आधार पर अलग राज्य बनाया गया था, यह सबसे पहला था आंध्र प्रदेश। राज्य पुनर्गठन कानून 1956 में यह पारित हुआ था, राज्य पुनर्गठन कानून 1956 में यह पारित हुआ था। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है यहाँ पे पूर्व गोदावरी, तथा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है विजयनगर। सबसे अधिक जनसंख्या वाला गोदावरी और सबसे कम जनसंख्या वाला विजयनगर। तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में, तिरुपति मंदिर जो है आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में। आंध्र प्रदेश में कृष्णा गोदावरी तुंगभद्रा नदियां बहती, आंध्र प्रदेश में तीन नदियां बहती हैं, कृष्णा गोदावरी साथ में ही तुंगभद्रा। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी आंध्र प्रदेश के लिए। इसमें दो तीन बातें हमने आपको नहीं बताई, सबसे पहले तो ये नहीं बताया था कि आंध्र प्रदेश में बायोस्फीयर रिजर्व कौन से, बायोस्फीयर रिजर्व आंध्र प्रदेश में चित्तौड़ और कड़प्पा था ना वैसा, कड़प्पा, ये दो बायोस्फीयर रिजर्व है यहाँ पे। यहाँ के डांस फॉर्म तो आपको बता चुके हैं, कुचिपुड़ी और कोल्लतम, डांस फॉर्म है कुचिपुड़ी और कोल्लतम। टाइगर रिजर्व यहाँ पे एक है, एक टाइगर रिजर्व है, उसका नाम है नागार्जुन सागर, टाइगर रिजर्व का नाम है नागार्जुन सागर। और साथ में इंपॉर्टेंट फेस्टिवल डिस्कस करना बाकी है अभी तो हमारे। सबसे पहले यहाँ पे मेन फेस्टिवल मनाया जाता है ब्रह्मोत्सवम, सबसे मेन फेस्टिवल है ब्रह्मोत्सवम। साथ में रामनवमी भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है यहाँ का, रामनवमी, ब्रह्मोत्सवम, रामनवमी, डेक्कन फेस्टिवल, उगड़ी दशहरा और दुर्गा पूजा, उगड़ी दशहरा और दुर्गा पूजा, ये सारे यहाँ के फेमस फेस्टिवल है। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, ब्रह्मोत्सवम, रामनवमी, डेक्कन फेस्टिवल, उगड़ी दशहरा और दुर्गा पूजा। फेमस डांस फॉर्म है कुचिपुड़ी कोल्लतम, टाइगर रिजर्व है नागार्जुन सागर, बायोस्फीयर रिजर्व है चित्तौड़ और कड़प्पा। तो इसके साथ इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो खत्म होती है, लेकिन बची हुई एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके लाइफ में, आंध्र प्रदेश। आपको पता है जो भी काफ़ी सारे यूपीएससी टॉपर वगैरह ये लगने का मेन रीज़न क्या है, सबसे ज़्यादा करते हैं सभी लोग रिवीजन, तो आपको भी अब से स्टार्ट करने हैं। आंध्र प्रदेश के बारे में, राजधानी हैदराबाद, क्षेत्रफल 275,000 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या 8.5 करोड़, 4.5 करोड़ पुरुष, 4.5 करोड़ महिलाएं। जनसंख्या का घनत्व है 308 प्रति व्यक्ति, लिंगानुपात है 993 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष के लिए, साक्षरता 67%, पुरुष है 74%, महिलाएं 59% प्रतिशत। प्रमुख भाषा है तेलुगु तथा उर्दू। उच्च न्यायालय हैदराबाद में अभी अमरावती जाके शिफ्ट होगा। राज्य दिवस है 1 नवंबर, राज्य का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। यहाँ पे टोटल जिले 13। सीमा की अगर बात करते तो उत्तर, मतलब ऊपर साइड में आता है यहाँ पे उड़ीसा और मध्य प्रदेश, उत्तर में उड़ीसा और मध्य प्रदेश, उत्तर पश्चिम में मद्रास, दक्षिण में तमिलनाडु, पश्चिम में कर्नाटक और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। मुख्य फसल है चावल। प्रमुख नृत्य कुचिपुड़ी कोल्लतम। पर्यटन केंद्र तिरुपति मंदिर, वेंकटेश्वर मंदिर, गोलकोंडा, चार मीनार, सालारजंग म्यूजियम, कावला अभयारण्य, नेशनल पुलिस अकेडमी, हिंदुस्तान शिपयार्ड, विशाखापट्टनम में है जो। विधानमंडल है द्विसनात्मक, विधानसभा और विधान परिषद है यहाँ पे। विधानसभा के सदस्य 295, विधान परिषद के सदस्य 90, लोकसभा सदस्यों की संख्या 42, राज्यसभा सदस्यों की संख्या 18। राजकीय पक्षी है चौसिंगा, राजकीय पक्षी घसूर हवासील, प्रथम राज्यपाल है सीएम त्रिवेदी, आधुनिक शहर हैदराबाद को न्यू गोलकोंडा के कुतुब शाह ने रखी थी। हैदराबाद और सिकंदराबाद एक दूसरे की जुड़वा है। आचार्य विनोबा भावे ने आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र से भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। भाषाई आधार पर गठित होने वाला देश का प्रथम राज्य हैदराबाद आंध्र प्रदेश। राज्य पुनर्गठन कानून 1956 में पारित हुआ था। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है गोदावरी, तथा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है विजयनगर। तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में। आंध्र प्रदेश में कृष्णा गोदावरी और तुंगभद्रा यह तीन नदियां बहती है। तो इसी के साथ ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी कवर होती है इन्फॉर्मेशन आंध्र प्रदेश से रिलेटेड। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपकी एग्जाम्स के लिए। धन्यवाद।